आज का हमारा टेम्पलेट तो आपने स्टार्टिंग में देख लिया है फ्रेंड, कितना प्यारा बना हुआ है। मैं आपको एकदम सिखाने वाला हूँ आप इस टेम्पलेट कैसे बना सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो के लास्ट में सिखाने वाला हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में देख सकते दोस्तों, जो टेक्स्ट लगाया था लव लाइफ का, ऐसा टेक्स्ट आप कैसे बना सकते, तो ये सब कुछ आज मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में आखिर तक बने रही है। दोस्तों मेरा नाम है जनार्दन, आप देख रहे टेक्निकल सिंबल। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट कर दे। पहले क्या करना दोस्तों, अगर आपके पास अवी प्लेयर ऐप नहीं है तो इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लीजिए, और टेम्पलेट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो भी डाउनलोड कर लीजिए। तो डाउनलोड करने के बाद हम क्या करेंगे, अपना अवी प्लेयर ऐप ओपन कर लेंगे। तो ओपन करते फर्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से अवी प्लेयर ऐप ओपन हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर टेम्पलेट लोड करेंगे, तो यहाँ पर जो ऊपर बॉक्सेस वाला आइकन बना हुआ है दोस्तों, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर देख सकते लोड प्रोफाइल, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक टेम्पलेट ले लेंगे। तो यहाँ पर ये चला जाएगा, अपने फाइल मैनेजर में जाएंगे हम यहाँ से, और यहाँ पर जो विजुलाइजर हमने टेम्पलेट जो डाउनलोड किया दोस्तों, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर 23 विजुलाइजर दोस्तों, तो यहाँ पर जो लास्ट वाला बॉक्स है हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो हमारे विजुलाइजर जो हमारे विजुलाइजर जो यहाँ पर टेम्पलेट जो यहाँ पर सिलेक्ट हो दोस्तों। अभी हम यहाँ पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर चले जाएंगे मेन इमेज में। यहाँ पर देख सकते दोस्तों, यहाँ पर मेन इमेज, यहाँ पर मैंने टैग लाइन दी हुई सबको, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर जनरल में आकर इसका विजिबल ऑन कर देंगे। विजिबल ऑन करने के बाद यहाँ पर हम एक इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। सो फ्रेंड, मैं अभी के लिए ये वाली इमेज यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते आप, इमेज हमारी अच्छी तरह से आ चुकी है। तो इमेज आने के बाद हम फिर से पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो ब्लर इफेक्ट बाद देख सकते वीडियो फ्रेम, तो यहाँ पर वीडियो फ्रेम देख सकते दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो की फ्रेम है, तो इसको इस इमेज को हमको छोड़ देना है। यहाँ पर आप लोगों के नीचे देख सकते पिंक लाइट, यहाँ पर हमको क्लिक कर देना है। यहाँ पर इसका विजिबल सबसे पहले ऑन करना है। विजिबल ऑन करने के बाद यहाँ पर देख सकते दोस्तों, बहुत सारे ब्लैक शेड आ चुकी है। तो हम यहाँ से अभी बैक चलाएंगे, यहाँ पर जाएंगे इमेज में, यहाँ पर कस्टम इमेज, और यहाँ पर ये वाला जो डॉट है हमको ये वाला सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे जो पीली लाइट यहाँ पर आ चुकी है, आई मीन येलो लाइट आ चुकी है दोस्तों, सॉरी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लव लाइफ टेक्स्ट, यहाँ पर हम जाएंगे इस इमेज में, इसका विजिबल ऑन कर देंगे। विजिबल ऑन करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देख सकते स्केल, यहाँ पर हम स्केल पर क्लिक करेंगे। ऊपर वाला करने आपको 300 या 400 कर देनी, ऊपर वाली 350 रहने देता हूँ मैं, और नीचे वाली कर देनी आपको 700 कर देनी, नीचे वाली 700 ऊपर की वाली, ऊपर वाली कर देनी दोस्तों आपको 350, और नीचे वाली कर देनी 700। तो यहाँ से हम चले आएंगे अभी बैक, और यहाँ पर देख सकते हैं एक इमेज, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर इसको जो कीप एक्सपेक्ट रेशियो इसको ऑफ कर देंगे। तो हमारे लव लाइफ टेक्स्ट यहाँ से आ चुकी। तो आप इसको छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए छोटा बड़ा करना तो कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी अकेले ऐसे रहने देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते टेक्स्ट आ रहा है टाइमर का, हम यहाँ पर जाएंगे इसका विजिबल ऑन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा स्क्रीन में एक टाइमर आ चुका है, अगर आपको चाहिए तो रहने दीजिए, अगर नहीं चाहिए तो ऑफ कर दीजिए। और यहाँ पर देख सकते हर्ट पीएनजी इमेज, तो हम यहाँ पर जाएंगे इसका विजिबल ऑन कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा हर्ट पीएनजी दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, इसके नीचे एक पार्टिकल, दो पार्टिकल का विजिबल हम ऑन करते हैं सिर्फ, तो हमारे पार्टिकल जो आना शुरू हो चुके हैं। और इसके नीचे दोस्तों एक टेक्स्ट, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर मैंने अपना चैनल का नाम डाला हुआ है टेक्निकल सिंबल। तो आप क्या करिए दोस्तों, यहाँ पर टेक्स्ट में चले जाइए, और यहाँ पर नहीं का अपेयरेंस में जाकर इसको एडिटिंग करके अपना नाम डाल दीजिए, यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। तो मैं यहाँ से चलाता हूँ बैक। तो आप यहाँ पर देख सकते कंपोजिशन के बाद में यहाँ पर देख सकते RGB स्प्लिट इफेक्ट, तो यहाँ पर क्लिक करना है आपको इसका, जनरल में इसका विजिबल ऑन कर देना है। विजिबल ऑन करने के बाद यहाँ पर एक बार से इसका विजिबल भी हमको ऑन कर देना है। तो विजिबल ऑन करने के बाद यहाँ पर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है आपको, देख सकते आप स्केल, यहाँ पर स्केल पर क्लिक करेंगे, आपको भी ऊपर वाली का लाइन कर देनी 300, और नीचे वाली भी कर देनी आपको 300, दोनों 300 कर दिए हमने। और यहाँ पर जो दोस्तों अभी हमारा सारा काम जो है यहाँ पर हो चुका है। तो एक बार मैं आपको फिर से वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ अभी। और दोस्तों अभी क्या करना है आपको, यहाँ पर सेव करने के लिए यहाँ पर इस वाले आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देख सकते एक बार देख लीजिए दोस्तों, क्वालिटी आप कुछ इस तरह की रखनी है आपको, हाइट इस तरह की 1920 और हाइट वेट देख 1080, तो इसी तरह की रखनी है आपको। और यहाँ पर हाइट आप लोग, और यहाँ पर सेव कर लेनी वीडियो। तो ये सेव कर लेने के बाद अभी मैं दिखा देता हूँ आपको टेक्स्ट कैसे बना सकते हैं। तो ये छोड़ देंगे। तो दोस्तों टेक्स्ट बनाने के लिए आपको एक ऐप की जरूरत है, जिसका नाम है पिक्सल लैब, ये आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक मैंने दी हुई है, तो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेंगे फर्स्ट टाइम, तो ओपन करते फर्स्ट टाइम आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ जो टेक्स्ट है इसको डबल टैप करना है, तो यहाँ पर एडिटिंग के लिए आ जाता है। तो यहाँ पर मैं अभी सिंपली से एक नाम डाल के दिखा देता हूँ लव, तो यहाँ पर हमने लव डाल दिया दोस्तों। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे इसको, और बड़ा करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, फिर से इसको डबल टैप करना है, और यहाँ पर जो येल है दोस्तों इसको कट कर देना है। यहाँ से येल कट करने के बाद हम यहाँ पर इसको लाइन अभी सेट कर देनी है यहाँ से थोड़ी, और अभी जाएंगे हम इस ए वाले आइकन पर, और यहाँ पर इसको थोड़ा यहाँ पर क्या करना है, इसका फ्रंट पहले चेंज कर देना। आपको यहाँ पर फ्रंट में जाएंगे, और आप यहाँ पर जैसे चाहे वैसे फ्रंट लगा सकते हो। तो अभी के लिए ये वाला फ्रंट ले देते दोस्तों, ये वाला, तो इसको कर देंगे हम ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर ऊपर आपको और इसके
यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों एक स्ट्रोक, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसका विजिबल भी हम ऑन कर देंगे। इसका विजिबल ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से एक ऊपर प्लस वाला आइकन दिख रहा है, यहाँ पर हम प्लस पर करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर देंगे। टेक्स्ट ऐड करने के बाद यहाँ पर हम इस फिर से डबल टैप करेंगे, इसको ये कट कर देंगे और यहाँ पर एल डाल देंगे और यहाँ पर थोड़ी स्पेस बढ़ा लेंगे और बढ़ाने के बाद हम इसको कर देंगे ओके। इसकी साइज़ हम बड़ी कर देंगे, अभी साइज़ बड़ी करने के बाद यहाँ पर एक फ्रंट सेलेक्ट करना है आपको, ये फ्रंट थोड़ा स्टाइलिश होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर मैं थोड़ा ऊपर जो स्टाइलिश फ्रंट यहाँ पर जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टाइलिश फ्रंट है, यहाँ पर हम इसको ओके कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाला आ चुका है, यहाँ पर ये फिर तो मैं इसको ए वाला रहने देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। तो इसको थोड़ा यहाँ पर सेट कर देंगे थोड़ा बड़ा करके अभी, और यहाँ पर हम क्या करेंगे अभी इसको कलर सेलेक्ट कर लेंगे एक बार, ये रहा कलर, कलर कर देंगे दोस्तों हम इसका भी रेड या पिंक, ये रहने देता हूँ रेड पिंक। और ये करने के बाद हम यहाँ पर चले जाएंगे, इसको स्ट्रोक है दोस्तों इनेबल कर देना आपको। स्ट्रोक इनेबल करने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों अभी कुछ अच्छी तरह से दिख रहा है। तो ये करने के बाद हमको यहाँ पर इसका बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट कर देना है। तो यहाँ पर इसको कर देने के बाद हम यहाँ पर देख इस वाले आइकन पर क्लिक कर दें दोस्तों आपको स्क्वायर के, ये करने के बाद यहाँ पर देख सकते ट्रांसपेरेंट, इसको ओके कर देना है। तो हमारी जो पीएनजी दोस्तों ट्रांसपेरेंट हो चुकी है टेक्स्ट, और यहाँ पर जो ऊपर सेव का आइकन बना हुआ है दोस्तों यहाँ पर हम क्लिक करेंगे उसको सेव एज इमेज कर देंगे। तो यहाँ पर इसको सेव कर लेंगे सिंपली, तो हमारी इमेज जो दोस्तों अभी पीएनजी में सेव हो चुकी है। तो इस तरह से आप ये इमेज बना सकते हो दोस्तों पीएनजी की। तो दोस्तों उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगी, पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, फ्रेंड चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।